हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं बार बार कहाँ गायब हो जाती हूँ, मतलब अब कहीं जाके रेगुलर अपलोड्स आ रहे थे और फिर मैं गायब हो गई। सो गाइस, एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग माय हॉलीडेज। वैसे तो हॉलीडेज है अभी नहीं, एंजॉय करने के चक्कर में बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। सो अब चलो बाकी सब आगे बताती हूँ और स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा व्लॉग। सो रात के 11 बजे हम घर से निकले, बैठ बैठ के पैर दर्द करने लगे थे और अभी तो बस थोड़ा सा ही ट्रैवल किया था। और ये रोड्स इतने ख़राब थे ना, बस कुछ ही रोड्स अच्छे थे, तो ऐसा लग रहा था कब हम पहुँचते हैं। और फाइनली हम मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके थे और फिर हमने रात को चाय पी और ऐसे ही दो तीन बार चाय पीते पीते सनराइज हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम ओमकारेश्वर के नज़दीक तो आ ही गए थे और अब हम फाइनली ओमकारेश्वर पहुंच गए। और ये कैमरा जितना हिल रहा है उससे आप रास्ते का अंदाज़ा तो लगा ही लोगे। और वहीं हमने एक रूम लिया, फ्रेश होने के बाद हम मंदिर गए। और पता है यहाँ पे ना शूट करना मना था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पर फिर भी डांट खाने के बाद मैंने फ़ोन अंदर रख दिया। अब हर मोमेंट कैप्चर भी तो करना था क्योंकि ये जगह ही इतनी ब्यूटीफुल थी। और मैं अब यहाँ पर भी कैमरा से शूट कर रही थी। वैसे तो मैं सबके वीडियोस लिए जा रही थी पर मेरा कोई ले ही नहीं रहा था। और फिर हम खाना खाने आ गए। अब यहाँ मैं वीडियो ले रही थी कि मेरे भाई बहनों ने खाने पे हल्ला बोल दिया, जैसे पता नहीं कितने दिनों से खाया ना हो। और फिर खाना खाने के बाद मैं एक बार फिर डांट खाने वाला काम स्टार्ट करती हूँ। पर क्या करूँ, इतनी सुंदर जगह थी तो हर मोमेंट कैप्चर करनी थी। और फिर हम निकलते हैं ओंकारेश्वर के लिए। एंड ये देखो, रास्ता पूरा खाली था तो मैंने सोचा अच्छा वीडियो बनाऊंगी, पर मेरा भाई बार बार बीच में आ रहा था, पता नहीं क्या खुशी मिल रही थी उसको। और मैं आगे जाऊँ तो फिर वो मुझसे पहले जा रहा था। और फिर इतना सारा चलने के बाद मुझे ये दिखा, और ये देखने के बाद मैं सारी थकान भूल गई। ये मंदिर ऊपर से इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि मुझे लग रहा था मैं कब यहाँ पे पहुँचूँगी। और अब जल्दी पहुँचने की खुशी में मैं सबसे आगे भाग रही थी और इसकी वजह से सबने मुझे अपना फोटोग्राफर बना लिया था। और अब फाइनली हम घाट पर पहुँच गए और ये देख के दिल को एक सुकून सा मिलता है और इतनी भीड़ में भी मन को शांति मिलती है। पर पता है मैं बहुत सारा जो था वो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी एंड कहीं कहीं फ़ोन से शूट करना मना है। एंड फ़ोन से क्या, कैमरा से, किसी भी चीज़ से शूट ही करना मना है। और फिर हम बैठे बोट में, व्यू इतना सुंदर था पर ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ये पता ही नहीं चला। खत्म, बहुत छोटी राइड दी यार उन्होंने। मैंने कब कैमरा ऑन किया और कब बंद किया ये पता भी नहीं चला मुझे तो। और फिर हम दूसरे मंदिर भी जाके आ गए और फिर दिखा ये बंदर भी लाइक कि कैमरा बंद करो, मुझे शर्म आती है। कितना फनी मोमेंट है ना, कैसे खा रहा है देखो। इस ब्यूटीफुल से मंदिर को बाय बोलते हुए हम निकलते हैं उज्जैन की ओर। और अब हो रहा था सनसेट, हमें निकलने के लिए लेट हो गया था तो इसकी वजह से हम इंदौर के घाट में फंस गए। और उज्जैन पहुँचते पहुँचते सबके 12 बज चुके थे क्योंकि इतना ट्रैवल करना पड़ा बिना नींद और आराम के। और फिर ये रही मैं, रात के 12 बजे उज्जैन के रास्तों पर भटक रही थी। और फिर हमें थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद हमें फाइनली एक रूम मिला और उसके पास ही ना ये ब्यूटीफुल सा मंदिर भी था। और फिर रात को हमने खाना खा के सोने के बाद सुबह सुबह इस सुंदर से मंदिर गए। और ये रही मैं, घंटियाँ बजाते बजाते अपने वीडियोज़ ले रही थी। सभी इतरा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा इतरा ही लूँ। बहुत तेज हो रहा है। और फिर हम महाकाल के मंदिर की ओर निकले। और पता है
यहाँ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ ही नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये जो कॉरिडोर है, ये देखने का मज़ा रात में है, पर हम दिन में गए थे और हमें दूसरे जगह पे भी जाना था, इसीलिए हमने ये दिन में ही देख लिया। और फिर हम निकले चारों धाम मंदिर की ओर। और यहाँ पर ना बहुत अच्छा एक सीन सा था, मतलब ये गुफा जैसा था और इसके अंदर बहुत सारे सीन्स के स्टैचूज रिक्रिएट किए थे। और मैंने इस वीडियो में ये थोड़ा सा ही दिखाया है, क्योंकि अगर मैं इस पूरी जगह का अगर वीडियो लेने बैठ जाऊँ ना, तो ये वीडियो एक घंटे से कम नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ दिखाना, मतलब सब अच्छे से भी तो दिखाना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा दिखा के क्या मतलब। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा तो दिखाया ही है, अगर मैं पूरा दिखाती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, और मुझे व्लॉग एडिट करना अभी तक आता नहीं है इतने अच्छे से। दिस इज़ माई फर्स्ट, सो आई ट्राइड माई बेस्ट, सो थोड़ा सा समझना यार। एंड ये देखो, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल से सीन थे, कृष्णा जी के और भी बहुत सारे थे। और मैंने इसके आगे वाली जो गुफा का सीन था तो वो नहीं दिखाया और शूट भी नहीं किया, क्योंकि फ़ोन की बैटरी जो है बहुत डाउन हो रही थी, और फिर हमें कहीं अच्छा चार्जिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा था, और जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स थे वहाँ पे चार्जिंग बहुत स्लो हो रही थी, तो फ़ोन से बहुत इश्यूज हो रहे थे। और अब यहाँ से निकलकर हम काल भैरव मंदिर गए। सो ये देख के क्या लग रहा है आपको, हम ड्रिंक करने नहीं आए, ये तो यहाँ का प्रसाद है, इसके बिना दर्शन सफल नहीं होते। और फिर रात में ही हम सीहोर की ओर निकले, और फिर मंदिर के पास ही एक होटल में रेस्ट करने के बाद सुबह सुबह दर्शन किए, और दर्शन के बाद हमने पेट पूजा भी की, और फिर फाइनली घर की ओर निकल पड़े। काफ़ी थकान भरे नॉनस्टॉप ट्रैवल वाले ट्रिप से फाइनली मैं नानी के घर से अपने घर आ गई। और अभी पूरा फोकस रूटीन ठीक करने पर है, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं थोड़े दिन रेगुलर आ जाती हूँ, रेगुलर अपलोड्स करती हूँ, और फिर बीच में गैप पड़ जाता है, फिर से कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है हमेशा, एग्ज़ाम्स या फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। वैसे तो मैं शूट करके गई थी घर से कि मैं अपलोड करूँगी, बट एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसीलिए मैं अपलोड भी नहीं कर पाई। एंड अब से ना मैं रेगुलर अपलोड भी करूँगी, क्योंकि अब पूरा फोकस स्टडीज़ और वीडियोज़ पर डालना है। एंड या फाइनली इतनी बकबक करने के बाद अब मैं इन भाई साहब को कुछ कहने का मौका देती हूँ। बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।